हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिमांक के अवनमन की। तो आज का टॉपिक है हमारा हिमांक का अवनमन। तो पहले बात करते हैं हिमांक को, यानी हिमांक किसे कहते हैं। तो हिमांक का मतलब होता है जमना। हिमांक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक का मतलब होता है जमना। तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता हो, बिलियन का हिमांक कहलाता है। तो बिलियन का हिमांक किसे कहते हैं, ये बिलियन के हिमांक की डेफिनेशन है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, ताप मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वो द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता हो, उसे बिलियन का हिमांक कहलाता है। यानी किसी द्रव का हिमांक क्या है, बेताप है, जिस पर वो द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में रह सकता हो वो क्या कहलाता है आपका, उस बिलियन का हिमांक कहलाता है। तो ये तो हिमांक की पढ़ ली, लेकिन हमारा क्या है हिमांक का अपनमन। लेकिन हिमांक का अपनमन किसे कहते हैं। अगर इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कोतनांग का उन्नयन, अगर आपने कोतनांग उन्नयन वाली वीडियो देखी है और उसको समझा है तो ये बहुत सिंपल आपके लिए वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने इससे पिछली वाली वीडियो लेक्चर देखा है कोतनांग उन्नयन तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, किसी बिलियन के शुद्ध विलायक के हिमांक, शुद्ध विलायक के हिमांक को दिखाते हैं T0F से, तथा बिलियन के हिमांक, बिलियन के हिमांक को दिखाते हैं TF। F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं हिमांक को, T4 टेम्परेचर। तो तथा बिलियन के हिमांक, बिलियन का हिमांक क्या होता है TF, के अंतर को, अंतर का मतलब घटाने को हिमांक का अपनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक का अपनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपका हिमांक का अपनमन होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TF। तो हिमांक का अपनमन क्या होता है आपका, शुद्ध विलायक के हिमांक तथा बिलियन के हिमांक के अंतर को। तो शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है आपका, शुद्ध विलायक का हिमांक होता है आपका T0F, और बिलियन का हिमांक क्या होता है TF, और इसके अंतर को, अंतर का मतलब माइनस, इसके अंतर को क्या कहते हैं हम, कोतनांक का उन्नयन कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। तो आपको ये थ्योरी याद नहीं करनी है, बस फॉर्मूला याद करना है, सही परिभाषा हम बना देंगे। तो परिभाषा क्या हुई, किसी बिलियन के शुद्ध विलायक के हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है TF0, शुद्ध विलायक के हिमांक TF0 तथा बिलियन के हिमांक, बिलियन का हिमांक क्या होता है TF माइनस का मतलब अंतर को, के अंतर को, डेल्टा TF हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपका हिमांक का अवनमन होता है उसे हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम बिलियन का, जो आपका हिमांक का अवनमन होता है, तो किसी बिलियन का, कोई भी बिलियन हो सकता है आपका, किसी बिलियन का हिमांक का अवनमन, किसी बिलियन का हिमांक का अवनमन उस बिलियन की, उस बिलियन की मोललता के, उस बिलियन की मोललता के समानुपाती होता है। जिस तरह कोतनांग के उन्नयन समानुपाती होता था मोललता के, उसी तरह आपका हिमांक का अवनमन भी मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। तो किसी बिलियन का हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या होता है आपका, डेल्टा TF, डेल्टा TF। तो हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक का अवनमन होता है आपका डेल्टा TF उस बिलियन की मोललता के, मोललता की होती है आपकी MO, मोललता के समानुपाती होता है। जब आपका मोललता का साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है, स्थिरांक आता है, वो स्थिरांक आता है आपका KF, तो KF इंटू MO। तो यहाँ पर MO क्या है, मोललता है।
तो मोललता का फॉर्मूला होता है, एमओ बराबर होता है आपका डब्ल्यू इंटू हजार अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो मोललता की जगह मोललता का फॉर्मूला लगा दीजिए, कि हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू, मोललता की जगह पुट कर देंगे इसका फॉर्मूला डब्ल्यू इंटू हजार अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इंटू हजार अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये मोलल डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला आ गया। तो ये वाले फॉर्मूले से और ये फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, नोमेरिकल करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वथनांक व्यंजन का फॉर्मूला ड्राइव करा था, इस वीडियो लेक्चर में हमने इमांग के अपने उनकी फॉर्मूला प्राप्त करा। इसके बाद रह गया है आपका परासरण दाब, उसका और हम ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन सबके नोमेरिकल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू हजार एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसको इधर उतार लेते हैं, तो आपका आया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू हजार अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका इमांग के अवनमन का। लेकिन आपको मान याद होना चाहिए इनके नाम, डेल्टा टी एफ का नाम क्या होता है, के एफ का नाम क्या होता है, एम का क्या नाम होता है। जब आपको इनके नाम याद होंगे तो आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल करने में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में ही मैंने आपसे कहा था आपको इनके मान याद रख के याद करके चलना है और याद रखना है, जब मैं न्यूमेरिकल करूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप इसके नाम याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इसके नाम याद रख के करें और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, नोट करें, मैं लिखवाता हूँ। तो जो डेल्टा टी एफ होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखते चलें आप लोग। तो डेल्टा टी एफ को बोलते हैं हम इमांक का अवनमन, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें। डेल्टा टी एफ को क्या बोलते हैं, इमांक का अवनमन। और जो के एफ होता है उसको हम बोलते हैं इमांक का, के एफ को बोलते हैं हम इमांक का उन्नयन स्थिरांक, इमांक का उन्नयन स्थिरांक। के एफ का एक नाम और होता है या इसको बोलते हैं हम मोलल, वो सॉरी उन्नयन नहीं, अवनमन स्थिरांक, इमांक का अवनमन स्थिरांक। तो के एफ को क्या बोलते हैं, इमांक का अवनमन स्थिरांक। और एक नाम और होता है इसका, वो होता है आपका मोलल, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इसके आपके दो नाम होते हैं, के एफ का अगर इमांक का अवनमन स्थिरांक लिख के आया या मोलल अवनमन स्थिरांक लिख के आया है तो वो आपका के एफ होगा। अब बात करते हैं हम टी जीरो एफ की। तो जो टी जीरो एफ है उसको बोलते हैं हम शुद्ध विलायक का इमांक। तो टी जीरो एफ को बोलते हैं हम शुद्ध विलायक का इमांक। और टी एफ को बोलते हैं हम बिलियन का इमांक, बिलियन का इमांक। तो आपको इन सबके नाम याद रखना है, ये न्यूमेरिकल आप जब ही कर पाएंगे जब आपको नाम याद होंगे। अगर आप नाम याद नहीं करेंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो नाम याद करते हुए चलें आप लोग। टी एफ को बोलते हैं हम बिलियन का इमांक। अब क्या रह गया हमारा, स्मॉल डब्ल्यू रह गया। तो स्मॉल डब्ल्यू होता है बच्चों हमारा बिले का भार, जो चीज़ जल में घोली गई है उसका भार, बिले का भार, वो भी आपको दिया होगा ग्राम में। और पिछले वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा आसानी से, और मैं लिखूंगा भी नहीं तो भी आप बता देंगे, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इन सब के नाम बताए थे। और जो एम होता है उसको हम बोलते हैं बिले का मोलर द्रव्यमान, बिले का मोलर द्रव्यमान। और जो आपका कैपिटल डब्ल्यू है उसे बोलते हैं विलायक का भार, विलायक का भार। ये भी आपको किस में दिया होता है, ग्राम में। तो दोनों ग्राम में दिए होते हैं, विलेय का भार भी विलायक का ही भार भी। जिसका मान कम हो ग्राम में दिया हो वो विलेय का भार है, और जिसका मान ज़्यादा हो वो क्या है आपका, विलायक का भार होता है।
और जो आपकी एमओ होती है उसको बोलते हैं मोललता, मोललता। अब मैं आपको एक नॉलेज के लिए बात बता दूं, आपको ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में आपके काम में आएंगी। एक तो आपको जल का क्वथनांक, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर बताएंगे आपको। तो एक तो आपको जल का क्वथनांक याद होना चाहिए। तो जल का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक का मतलब जल कितने टेम्परेचर पर आपको उबलता है। तो जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आपको बर्फ़ का हिमांक याद होना चाहिए, यानी जल का हिमांक, जल का हिमांक, जल का हिमांक न्यूमेरिकल में काम आएंगी ये बात है। तो जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जल का क्वथनांक, यानी जल कितने टेम्परेचर पर आपको उबलता है। तो जो जल आपको उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये आपको याद रखना है। और जल का हिमांक, हिमांक मतलब होता है जमना, यानी जल फ्रीज में कितने टेम्परेचर पर आपका जम जाता है, तो वो जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो एक आपका 0 डिग्री सेल्सियस पैमाना है और एक क्या है, केल्विन। तो न्यूमेरिकल में हम 0 डिग्री सेल्सियस पैमाना का यूज़ नहीं करते, केल्विन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, केल्विन का। मान आपको 0 डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते, 273 प्लस कर देते हैं। तो जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें तो 273 प्लस कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, 373 आ जाएगा। इसी तरह जल का हिमांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें तो 273 प्लस कर दें तो लौट कर कितना आएगा, 273 आ जाएगा। तो मोटी मोटी बात याद रखना है, जो जल का हिमांक होता है डिग्री सेल्सियस में वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 प्लस कर देते हैं। तो 273 पे प्लस करा तो 373 हो गया। इसी तरह जल का हिमांक जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में जाने के लिए 273 प्लस कर देते हैं, तो 0 जुड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 273 ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ये बात आप याद रखना जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।